आलू पराठा बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका बताऊंगी। जरा सी भी मेहनत नहीं लगती है, ना गुनना है, ना बेलना है और ना ही स्टफिंग फिल करनी है। देखिए कितना सॉफ्ट पराठा बना है। सुबह के भागम दौड़ में एकदम झट से बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने दो छोटे साइज के कच्चे आलू लिए हैं। इन्हें मैंने ऑलरेडी अच्छे से वॉश करके ले लिया है। आप यहाँ पर दो आलू के बजाय एक बड़े साइज का आलू अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं। अब हम इसके इस तरह से दो हिस्से कर लेते हैं। अगर आपने एक बड़ा सा आलू लिया है तो आप उसके चार हिस्से करके ले सकते हैं। गैस पर मैंने सॉस पैन लिया है जिसपे मैंने पानी को गर्म करने रखा था। तो अभी आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम ये जो कटे हुए आलू है इन्हें इसमें डालेंगे और इसे हम बॉईल होने देंगे। आलू को बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, इसे हल्का कच्चा ही रखना है। जब तक आलू हमारे पक रहे हैं तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम एक कप आटा लेंगे। ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटियां बनाते हैं। आप चाहो तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वादानुसार। और यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी लिया है, एक ग्लास यानी 300 ml हमें पानी का इस्तेमाल करना है। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका एक घोल रेडी करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। जितना अच्छे से फिटेंगे ना उतना ही ये पराठा एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बैटर तो रेडी हो चुका है और एकदम परफेक्टली बना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। तो फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं और चलिए आलू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छुरी जो है आराम से अंदर इंसर्ट हो रही है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये अभी काफी गर्म है, जैसे कि मैंने कहा था कि इसे पूरी तरह से हमें बॉइल नहीं करना है, तो ये बिल्कुल भी मैश ही नहीं हुए हैं। तो ये काफी गर्म है तो इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए आलू जो है छूने लायक हो चुके हैं, तो इसके ऊपर का जो छिलका है इसे हम उतार लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो आलू पराठे जैसा टेस्ट नहीं करेगा। छिलका तो उतर गया है, अब हम इसे कद्दूकस करके ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना इस तरह का ग्रेटर लिया है, तो इन्हें हम ग्रेट करके ले लेते हैं। आप चाहो तो मैशर से भी इन्हें मैश करके ले सकते हैं, पर मैश करने से क्या है इसमें थोड़े थोड़े ना चंक्स रह जाते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड कर लेते हैं जिससे कि ये और भी खाने में टेस्टी लगे। तो सबसे पहले हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है बैटर में, एक हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, पाव छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम स्टफिंग रेडी करते हैं ना आलू पराठे के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस स्टफिंग को भी रेडी करना है। आप इस स्टफिंग को देख कर सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने तो कहा था कि पराठे में बिना स्टफिंग किए हम इस पराठे को बनाने वाले हैं। तो डरिए मत, हम बिना स्टफिंग के ही इस पराठे को बनाने वाले हैं, बट इसके लिए इस स्टफिंग को बनाना जरूरी है। तो स्टफिंग हमने बना लिए, अब हम इसे डायरेक्ट इस घोल में हम इसे डाल देते हैं। और इसी के साथ हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे क्योंकि आलू पराठे में धनिया का टेस्ट काफी अच्छा लगता है, मुझे स्पेशली काफी पसंद है। एक बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे जिससे ये पराठे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। आप यहाँ पे पिघला हुआ घी भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। हल्का बैटर जो है मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं दो बड़े चम्मच के करीब पानी डालूंगी। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो पानी की क्वांटिटी है कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड है कि आपने जो आटा लिया है वो किस क्वालिटी का है, किस तरह का है, और जो आलू लिए है उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर आलू ने बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया है तो यहाँ पे पानी हमें कम लगेगा। तो यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह का फ्लोई बैटर होना चाहिए। एकदम पानी की तरह पतला तो नहीं है बट एकदम गाढ़ा भी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी ये पराठे काफी टेस्टी लगते हैं। तो मैं एकदम सिंपल जो घर में चीजें उसी से आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो चलिए इसे हमें रेस्ट करना नहीं है तो फटाफट इसे बना लेते हैं।
तो गैस पे मैंने ये तवा चढ़ा दिया। आप नॉर्मल तवे में भी इसे बना सकते हैं, बट वहाँ पे आपको घी या तेल का जो इस्तेमाल है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बट इस तरह से नॉन स्टिक पैन लोगे तो आपको यहाँ पे ये और जो तेल इस्तेमाल करोगे वो बहुत ही कम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चम्मच भर के बैटर डालेंगे। देखिए इसे एकदम डोसे की तरह स्प्रेड नहीं करना है, बट हल्का सा स्प्रेड करना है, ऐसे तो ये अपना शेप ले ही लेता है। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसे अच्छे से ड्राई होने देना है। जब खाना हो तभी आप इस घोल को बनाकर रेडी करें। अगर पहले से बनाकर रखेंगे तो इसमें ग्लूटेन बन जाएगा और ये काफ़ी चिपचिपा हो जाएगा, उसके वजह से ये तवे पे चिपकने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखिए नीचे से पकने के बाद ये अपने आप ही तवे को छोड़ देता है और इसके ऊपर की सतह भी अब ड्राई हो गई है। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। इसे कम से कम 6 से 7 बार इस तरह से अलटते पलटते हुए हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे सेक लेंगे। हल्का सा ऊपर से घी भी लगा लेते हैं जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। आप चाहो तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोटियों को हम फ्राई करते सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस आलू पराठे को भी हमें सेकना है। इसकी खासियत ये है, ना स्टफिंग बाहर आने का झंझट है, बहुत ही आसानी से झटपट बन के रेडी हो जाता है, जिसे आप सुबह की भागम दौड़ में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं, जब भी मन करे फटाफट बना के इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक आलू है तो। तो देखिए परफेक्टली पक चुका है, ऊपर भी अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। तो ये हमारा पराठा बनके रेडी है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के पराठे हम रेडी कर लेते हैं। जब तक दूसरा पराठा सेक रहा है मैं आपको पहला वाला पराठा दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्टली दोनों तरफ से कुक हो चुका है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे कि मैंने कहा था। ये देखिए मैं हाथों में लेके इस तरह से इसे चूर करी हूँ, तब भी ये बिल्कुल भी ना टूट रहा है, ना फट रहा है, ना कुछ हो रहा है। आप चाहो तो इसे इस तरह से रोल करके भी बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से बाकी के पराठे हम रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी लाजवाब आलू के पराठे बनके रेडी हो गए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।